हेलो। तो कल हम लोग जो था वो कहाँ तक करे थे, ग्रह कैसे बनते हैं, है ना। ग्रहों के बारे में हम पढ़ा था। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने कल बताया था कि जो ग्रह कैसे बने थे, तो सूर्य मध्य में था, यूथफुल यानी युवा अवस्था का सूर्य, के चारों ओर एक गैस का, और गैस और पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब वस्तुएं, छोटे छोटे वस्तुएं आपस में एक बादल नुमा संरचना बनाए थे। समय के साथ क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण को बल होता है सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच, उनकी मदद से वो आपस में आते हैं, और आने के बाद एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। और कमोवेश, एक बात याद रखना, कमोवेश जो मैंने कल तुम लोग कहानी बताई थी नाले के अंदर था, सेम वैसे ही बना है। आज भी हमारे धरती के अंदर लिक्विड है, पता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलता है अंदर से, लावा। लावा लिक्विड है ना, तो यानी कि अंदर का मटेरियल क्या है, लिक्विड है, और ऊपर ऊपर क्या है, सॉलिड है। वो तो हमारा वजन इतना ज्यादा नहीं है कि नहीं तो वो धंस जाए, बात समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से कलेक्ट हो करके छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स थे वो कलेक्ट हो करके क्या बनाए थे, ग्रह बनाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फिर ब्रह्मांड कैसे बना। अब जब ब्रह्मांड की बात आई, तो अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसे आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। जो हमने ये यहां पर देखा था लाप्लास और कांत का, जिन्होंने नेब्यूलर हाइपोथेसिस दी, कौन सी हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना, ये याद रखना, तुम लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, चैप्टर का नाम लिख लो, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पहला पॉइंट लिख, पृथ्वी की उत्पत्ति, पहला पॉइंट उत्पत्ति, लिखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रारंभिक परिकल्पना
प्रारंभिक परिकल्पना, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट द्वारा प्रदान किया गया, जिसे कि बाद में, जिसे कि बाद में सन 1796 में लाप्लास ने, लाप्लेस 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 ने संशोधन किया, जिसे कि निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना ब्रैकेट में लिख नेब्यूलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना ब्रैकेट में लिख नेब्यूलर हाइपोथेसिस, निहारिका को अंग्रेजी में नेब्यूला कहते हैं, नेब्यूला या नेब्यूलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो नेब्यूला क्या है एक बार मुझे बता देना, नेब्यूला निहारिका क्या होती है? नेब्यूला किसे कहते हैं, निहारिका किसे कहते हैं? अंड के अंदर तो गैस तथा कणों के बादल नुमा जो संरचनाएं होती क्या कहते हैं, निहारिकाएं या नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, कल फोटो दिखाई थी उस, ठीक है। अब देखो तो इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे इकट्ठा हुई, ये सब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना किस, तो कांत और लाप्लास ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का क्या है, आगे का है कि वो तो हो गया किसका, ग्रहों की उत्पत्ति। अब बात होती ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। यूनिवर्स के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो कि यूनिवर्स क्या है, क्या कल्पना रखते हो उसके? बताओ, सोचो, कभी सोचे हो? जैसे मान लो ये कमरा है, इसमें मान लो ग्रह है, पृथ्वी हो गई सर, पर इस दीवाल के पार भी तो कुछ है, यूनिवर्स के पार क्या है? मान लो ब्रह्मांड की स्पेस हो गया, एक जगह हो गई, ठीक है ना, उस जगह में ग्रह वरह जो भी हैं, सूरज चांद ये सब ठीक है, सारे के सारे आकाश गंगाएं सब कुछ हैं उसी के, लेकिन उसकी कोई ना कोई बाउंड्री होगी। पहुंच कैसे नहीं पाए, कौन पहुंचा है आज? यहां से सूरज की तो तय करने में हालत खराब हो जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात मुझे, ये डिस्क है, इसके ऊपर जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया वैक्टीरिया होंगे ना, कहीं से एक चम्मच मिट्टी उठाओ उसके अंदर कई लाख करोड़ बैक्टीरिया। अब अगर इस प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया है तो हम उसे देख पा रहे हैं, कैसे देखेंगे फिर? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो क्या पता हम जैसा एक हमने कल्पना की हुई मंगल पे एक एक आंख वाला जानवर होगा या
कोई मिल गया मैं जादू मूवी जैसा एलियन था वैसा होगा, लेकिन एक्चुअली में जीव वहां पर कैसा है ये हम नहीं जानते। वहां के जीव को देखने के लिए या वहां जो प्राणी रह रहा होगा उसको देखने के लिए उस प्रकार के असलहों की जरूरत पड़ेगी, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। भाई इसके ऊपर अगर बैक्टीरिया है तो हम ऐसे तो देख के बता नहीं, हम तो कहेंगे इसके ऊपर कुछ नहीं है। वैसे ही लोग मंगल पे जा रहे हैं कह दे रहे होंगे कि अरे मंगल पे कुछ नहीं, चांद पे कुछ नहीं है, लेकिन असल में वहां पर क्या है क्या पता हमारे पास उसको देखने का यंत्र ना हो। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब लोग कह रहे हैं कि अब क्या पता सूरज के ऊपर भी जीवन हो, सूरज के ऊपर भी जीवन हो, लेकिन हम चेक करने जाएंगे अगर सूरज के पास जीवन तो उससे अभी 150 लाख किलोमीटर दूर रहेंगे, उतने में ही जल भुन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि अभी तक की जो कल्पना है उस ये है क्या कि अभी तक किसी को पता है कि स्पेस कितना बड़ा है, लेकिन ये कहा जाता है कि स्पेस जो है ना ये एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, समझ रहे हो। फैलने का मतलब जैसे गुब्बारा लो, गुब्बारा के ऊपर 3-4 पेन से पॉइंट बना दो और उसके अंदर फूंक मारो, गुब्बारा फूलेगा, जो दो डॉट होंगे उनके बीच भी बढ़ेगी। मान लो जब गुब्बारा छोटा सा था तो दोनों पॉइंट अगल बगल थे, लेकिन जब हमने फूंक मार के गुब्बारे को बड़ा किया तो वो पॉइंट भी तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, क्योंकि फैल रहा है गुब्बारा। इसी तरह से कहा जाता है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ये भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। लेकिन अगर तुमने उस गुब्बारे के ऊपर वो पॉइंट बनाया पेन से और उसको फूंक मारी तो नो डाउट दो बिंदुओं के बीच तो बढ़ रही है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो जो बिंदु है वो भी साइज में बड़ा हो रहा है, ये देखेंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो कि दो बिंदु हमने बना दिया, मान लो ये है गुब्बारा, पहले छोटा सा, इस पर हमने दो बिंदु बना, ठीक, दो बिंदु बना। अब इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने फुला दिया, अब ये वाला बिंदु यहां रह जाएगा, ये वाला बिंदु यहां चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि ये जो बिंदु है इसके आकार में भी वृद्धि होगी, ये डार्क से हल्का कलर का हो जाएगा। मान लो नीले रंग से अगर तुमने उस पे बनाया पॉइंट तो वो नीला रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और वो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब क्या, हमारे ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं, कई सारी आकाश गंगाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ेगी, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पर हम एक चीज क्या देखेंगे कि पॉइंट जो है इसकी भी साइज बढ़ेगी अगर गुब्बारा फैल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आकाश गंगा की साइज नहीं फैल। इसलिए ये बैलून वाला जो एग्जाम्पल है ये आधा सत्य है, ठीक है ना, कि दो आकाश गंगाओं के बीच कह लो या दो प्लैनेट के बीच का, जैसे मान लो कि यूनिवर्स फैल रहा है तो मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन अब मंगल साइज में बढ़ जाए और पृथ्वी साइज में बढ़ जाए ये संभव नहीं है, साइज वहीं की वहीं रहेगी। तो ये बैलून वाला एग्जाम्पल देकर के अमूमन एक्सपेंशन जो है तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है उसको समझाया जाता है, लेकिन ये आधी सत्य बात है। आधी सत्य इस सेंस में है
जो ये थ्योरी दी गई है इसके हिसाब से दो आकाश गंगाओं के या दो प्लैनेट के बीच बढ़ेगी, लेकिन उनकी साइज ठीक है, इतना क्लियर। तो अब देखो, तो अगर हम आज के समय में, आधुनिक समय में हम देखें आपका ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए जो थ्योरी दी गई, ग्रहों की उत्पत्ति के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी? हम मार खाओगे तुम लोग, हाँ कहाँ सुन रहे हो, सो रहे हो क्या तुम लोग? अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले ग्रहों की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिकल्पना दी गई। देखो नीचे देख रहा है निहारिका, वो किसके लिए थी? ग्रहों के लिए, कि ग्रह कैसे बने थे। जब हम ये देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो यहां पर जो थ्योरी दी गई उसे कहा गया था क्या, बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि ग्रहों की उत्पत्ति के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी, निहारिका की थ्योरी, निहारिका परिकल्पना या नेब्यूलर हाइपोथेसिस ने दिया था, कांत और लाप्लास ने, कांत और लाप्लास, केएल, केएल याद रखना, ठीक है ना, केएल राहुल है ना बैट्समैन, उससे याद रखना, कांत और लाप्लास ने दिया था नेब्यूलर हाइपोथेसिस, जिसके अनुसार गैस का एक बादल होता है नेब्यूला, गैस हाइड्रोजन हीलियम ये सब का बादल होता है, ये सब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करके एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर दिन प्रतिदिन को धीरे धीरे जाकर के आगे प्लैनेट में बन गया, ठीक। स्पाइरल शेप, स्पाइरल, मैं उसका हिंदी में ही तुमको बता रहा हूं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्पिल कहते, सर्पिल, ठीक, सर्पिल, सर्पिल क्या है बेटा, तो सर्पिल आकाश गंगा है, ठीक, हाँ, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, स्पाइरल तो उसका शेप है, मिल्की वे, आकाश गंगा है ना, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, देखो मिल्की वे ऐसा है देखने में, देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये चक्री, जैसे चक्री चलती है उस प्रकार का है मिल्की वे, इसका नाम है गैलेक्सी का, या इसे तीर मार्ग भी कहा गया, आकाश गंगा या तीर मार्ग, तीर मतलब क्या होता है, मिल्क, तीर मतलब मिल्क, तो इसी से, और मार्ग मतलब वे, तो मिल्की वे, ऐसी है बेटा हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक, हाँ हाँ। अब इसमें अगर हम तुमको बताएं, तो अगर हम इसको खाली चेक करें ना, तो ये समझना कि हमारा जो सौर, तो हमारा सूरज और उसके ग्रह हैं, धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर,
जुपिटर, सैटर्न, ये सब जो भी ग्रह हैं, शनि ग्रह, ये किसी एक पॉइंट पे होंगे, समझ रहे हो? तो अब ये सोचो हमारा ये इससे भी छोटा होगा, तो जब हमारा सूरज और सारे ग्रह इतने में है तो क्या इतने में कोई ग्रह और नहीं होगा? लेकिन हम लोग पहुंचे नहीं पाएंगे, हाँ? फोटो खींचा गया है ये बहुत, अभी हम बताते हैं, तो ये समझ गए ना, स्पाइरल शेप या क्षीर गंगा जो हमारी गैलेक्सी है वो ऐसी है, ठीक? अब देखो, तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत जो है वह बिग बैंग का सिद्धांत है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना कल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, कौन सी? विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, माने जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये क्या हो रहा है? हैल्ला, ठीक। 1920 में एडविन हबल, ये नाम याद रखना, एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है? समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हो रही हैं, जैसे मैंने बैलून वाला एग्जांपल दिया। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है। एक गुब्बारा लें, वही गुब्बारा वाला ये एग्जांपल दिया है, उस पर कुछ निशान लगाएं, जिन्हें कि आकाश गंगाएं मान लीजिए। अब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ दूर होते चले जाएंगे। तो ये वही चीज इन्होंने ना बताया है। अब ये जो नाम है ना हबल, अब ये नाम अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो आप अभी पूछ रहे थे कि सर फोटो कैसे खींचते हैं, तो हबल के ही नाम पे क्या आया? हबल टेलीस्कोप, नासा का सबसे तगड़ा टेलीस्कोप है ये, समझ रहे हो? ये धरती पे नहीं है, ये अंतरिक्ष में है, सैटेलाइट में। जैसे आदित्य L1 लगा करके भेज दिया गया है, वैसे ही रॉकेट पर इसको लगा करके और भेज दिया गया है। अब ये क्या करता है कि खूब दूर दूर तक अंतरिक्ष की फोटो खींचता है, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन कई बार UPSC में डायरेक्ट आपसे पूछे कि हबल टेलीस्कोप किसने बनाया है, हाँ, उसमें क्या है कि US का NASA और यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, EU हमने नहीं पढ़ाया था, EU पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यूरोपियन यूनियन, उसी यूनियन की अपनी जो स्पेस एजेंसी है, जैसे US की स्पेस एजेंसी का नाम है NASA, ठीक है, उसी तरह यूरोप की जो स्पेस एजेंसी थी उसका नाम था यूरोप स्पेस एजेंसी, इंडिया की का क्या नाम है? इसरो, ठीक है। अब ये देखो हबल टेलीस्कोप, अब अगर हम इमेजेस देखें तो अब ये देखो ये फोटो खींचा हुआ है, ये सब उसी के फोटो खींचे हुए हैं, समझ रहे हो ना? तो ये जो है, ये जो व्यक्ति थे जिनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की थी, जिन्होंने एडविन हबल, इन्हीं के नाम पर उस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या कहा था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो लिख लेना ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना? टेंशन मत, ठीक है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति में लिख लेना पहला पॉइंट, सर्वमान्य सिद्धांत, पहला पॉइंट लिख, सर्वमान्य सिद्धांत
डैश करके लिखना, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सर्वप्रथम 1920 में, सर्वप्रथम 20 में एडविन हबल ने, एडविन हबल ने प्रमाण दिए थे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा। का मतलब है कि समय बीतने के साथ, इसका मतलब है कि समय बीत, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही, ठीक। अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोग सुने थे कुछ दिन पहले न्यूज़ की खबर आई थी, कुछ लोग जो थे पैसे वाले, ये लोग समुद्र के नीचे टाइटैनिक देखने के लिए गए, है ना, और ये टाइटैनिक ही देखते रह गए। वहां क्या हुआ था पता है? वहां एक होता है एक्सप्लोजन और एक होता है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन का एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, एक्सप्लोजन से ही शब्द आया है एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब क्या होता है फैलना, तो वही एक्सप्लोजन जब होता है तो चीजें फैल जाती हैं। इम्प्लोजन में क्या होता है, चक जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये लोग जब गए थे तो नीचे, अब अंदर, अच्छा ये बताओ तुम्हारे एक एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेयर को ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही क्या कहते हैं, दाब, कौन सा दाब, वातावरणीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही? वायुमंडलीय दाब, ठीक, या वायुमंडलीय दबाव। कभी फील किए हो कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? क्या देखो, ट्यूब में हवा भरते हो ना साइकिल की, और फिर उसके बाद तुम उसमें हाथ लगाते हो तो प्रेशर फील होता है ना, वो किस चीज का प्रेशर है, वो है उस ट्यूब के या उस गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी है वो तुम्हारे उस उंगली के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर बना रही है, ठीक है ना, वो उस एयर का प्रेशर है। इसी प्रकार ये जो हमारा वायुमंडल है, पूरा पूरी हवाएं है ना हमारे यहाँ, इसका भी हर एक व्यक्ति पर दबाव पड़ता होगा, यही हवा है, दबाएगी ही नीचे की तरफ, ये सब यहाँ हवा, पूरे वातावरण में हवा है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैसेस हैं, सारी गैस हैं, तो ये तो निश्चित रूप से धरती के ऊपर भी प्रेशर बनाएंगी, जैसे गुब्बारे के अंदर की हवा हमारी उंगली पर प्रेशर बना रही है। और एक एटमॉस्फियर का प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा लगा रहता है, हम हमेशा एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, अभी भी यहां बैठे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर का जो वैल्यू होती है
बता दूं, वन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन अभी पूछ, होती है लगभग 101,13,25 पास्कल, मतलब तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे ऊपर हजारों हाथियों का बल हमेशा लग रहा है, ठीक है, मतलब तुम ये समझो कि तुम्हारे ऊपर हजारों हाथी बैठे हुए हैं, तो फिर पचक क्यों नहीं जाते हो भाई? अब तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर हाथी का वजन पड़ गया है या पड़ा हुआ है तो पचक क्यों नहीं रहे हो? अबे तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण से कौन सा ऐसा अफेयर है भाई, कहीं भी गुरुत्वाकर्षण लगा रहे हो तुम। जैसे हमारे ऊपर वातावरण का दाब है, और हमारे ऊपर जो वातावरण का दाब है यह इतना तो है कि हमको पिचका दे, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों, अरे वो तो गुरुत्वाकर्षण है जो कि तुमको रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण तो एक बल है, वहां तुम्हारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वो क्यों नहीं निकलता है? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब तुम्हारे ऊपर दाब बराबर पड़ रहा है क्यों नहीं शरीर से तुम फट जा रहे हो, खून निकलने लग रहा है, ऐसा कुछ भी है? देखो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 80, 100, 120, बाहर से कितना लग रहा है हमारी शरीर पे, बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फियर प्रेशर, अंदर से बाहर कितना, 120। तो हमारा ब्लड प्रेशर बाहर की तुलना में ज्यादा तगड़ा है, अगर हमारा बीपी लो हो गया तो तुरंत तुम देखोगे कि दिमाग की नस फट जाती है, बीपी लो हो गया तो क्या होगा, दिमाग की नस फटने लगेगी, क्यों फटेगी, क्योंकि ऊपर का दबाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ जाए, तो इसीलिए बाहर के एटमॉस्फियर का जो प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दबाव है, वो बैलेंस करता है कौन, हमारा अंदर का बीपी ब्लड प्रेशर, समझ रहे हो? यही सेम केस जो था, लोग नीचे टाइटेनिक को देखने गए थे वहां पर, उन लोगों के उस ज्ञान के अंदर था, उनको जब उस गहराई में गए थे तो पूरे पानी का दाब उनके ऊपर लग रहा था उनके उस जहाज पे, लेकिन मतलब उनका जो कैप्सूल थी गोल सा, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि अपनी उस मशीन के अंदर ही एक मशीन लगाई हुई थी कि अंदर से प्रेशर दिए पड़ी थी, तो बाहर से अंदर से वो मशीन प्रेशर दे रही थी, ऊपर से कौन प्रेशर दे रहा था, पानी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किए थे, बैलेंस किए हुए थे। अब क्या हुआ, अचानक से उनके यान में छेद हो गया, जब छेद हो गया अंदर की सारी हवा कहां निकल गई, बाहर, और वो जो ऊपर से पानी का दबाव था वो क्या किया इनको, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, और समझ गया ना, तो ये है प्रेशर का सिद्धांत, प्रेशर का क्या रोल है। हाँ कहाँ पे जाते हैं लोग, गए ही थे वो, ऐसा थोड़ी था कि वो पहली बार गए थे, वो तो उसके साथ बुरा लिखा हुआ था, तत्कांड हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में देखो एडविन हबल को हमने पढ़ लिया, अब एडविन हबल, अब बात ये हुई कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, हबल ने तो ये बात कह दी कि भाई यूनिवर्स जो है उसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का क्या हो रहा है,
लेकिन जो क्वेश्चन जो है जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? बिग बैंग। तो बैंग का मतलब क्या होता है? बैंग, बैंग का शब्द कहाँ पे सुन, कहीं सुने हो? बैंग, बैंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज जब बम फटता है, कैसी आवाज आती है? फटने की आती है ना, तो उसे अंग्रेजी में बैंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका? बिग बैंग, यानी कि कोई बहुत बड़ा फटा। अब तुम एक तुलना करना, घर में हम लोगों के कुकर होता है ना, कुकर के अंदर पानी रखो और सीटी जो है उसकी में बालू भर दो या कुछ कचरा भर दो, लॉक कर दो और आके बैठा के जला दो, क्या होगा? खूब देर तक अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर कुकर के अंदर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। देखो, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। कुकर के अंदर खाना जल्दी बनता है, सुने हो ना, कुकर के अंदर चावल जल्दी बन जाता है, क्यों? तो कुकर के अंदर होता है प्रेशर ज्यादा, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या है ज्यादा? फिर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसीलिए अंदर जो माल बन रहा है उसको गर्मी ज्यादा। तो ठीक ऐसा कहा जाता है कि पहले पूरा का पूरा जो ये आपका यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था, ये एक छोटी सी, जैसे मतलब कुकर, कुकर जैसे मान, ये एक छोटी सी चीज थी, कोई बॉल, छोटा सा बॉल, कुकर ही मानो, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। बात समझो कि जब कुकर के अंदर हम लोग गर्मी दे रहे हैं बाहर से, तो उसका जो अंदर प्रेशर है वो सराउंडिंग की तुलना में बहुत ज्यादा होता है ना, तभी तो फटता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कहा गया कि जो यूनिवर्स था वो भी सर्वप्रथम एक छोटी सी बॉल थी। क्या थी? छोटी सी बॉल, पूरा यूनिवर्स इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में टेम्परेचर था और बहुत ही भारी मात्रा में क्या था? प्रेशर था। और वो बॉल एक दिन, और जब फटी है तो वो पूरा जो, वो जो फटी है बॉल, तो वो पूरा एक्सपैंड हुआ है, और वहीं हमारा क्या बन गया है? यूनिवर्स बन, वहीं हमारा क्या बन गया? ब्रह्मांड बन। तो बिग बैंग क्या था? तो बिग बैंग ने यह कहा कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, वह अति छोटे गोलक, एक बहुत छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। ठीक, जैसे कि ये है, ये फटा और फैल गया, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व जो था वह अनंत था। समझ रहे हो? ब्लैक होल का नाम सुने? ब्लैक होल क्या है? अच्छा, एक चीज हमें बताओ, देखो ये स्पेस का टॉपिक है ना, अंतरिक्ष का, बहुत रिलेटिव लेके चलना। कभी ऐसा तुमने देखा है जैसे बर्फ है या पानी है, सॉरी बर्फ लो, बर्फ से वो अगर तुम उसको गर्म कर रहे हो तो बर्फ से वो क्या बनेगा? पानी। फिर गर्म करते रहे तो क्या बनेगा? भाप। लेकिन अगर ऊर्जा या एनर्जी इतनी ज्यादा दे दें कि बर्फ से ही डायरेक्ट भाप बन जाए, बात समझ रहे, लिक्विड वाली स्टेजें ना आए, जब हम लोगों को मरने के बाद हिंदू धर्म में जब जलाया जाता है,
जलाने पर देखोगे क्या कि पूरी बॉडी चूती है, वैक्स होम जैसे चूता है ना, उसी तरह से पूरी शरीर चूता है जब जलता है शरीर, तो फैट निकल निकल के गिरता है बॉडी में से। लेकिन बिजली वाले में जाओ, बिजली वाला जो है डाले बटन दबाए भत्त से उधर राख गिरेगी आकर के, कोई वो नहीं, वहां आपके शरीर को डायरेक्ट सॉलिड से धुआं कर दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना, कोई चूना चाना कुछ नहीं, इतना तेज टेम्परेचर कर देंगे कि केवल क्या बचेगी, थोड़ी बहुत राख बचेगी शरीर की, वरना आप खत्म, समझ रहे हो। उसी प्रकार ये कहा गया कि ये जो आरंभ में ये जो यूनिवर्स था, यह एक छोटा सा बॉल, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, घनत्व इसका बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा था। तो होता क्या है कि तुम देखते हो ना कि ब्लैक होल में, कहते हैं कि कोई भी चीज ब्लैक होल में चली गई तो गायब हो गई, का रीजन यही, जैसे ही उसके बगल से निकलोगे ना, उसके अंदर घनत्व इतना ज्यादा है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि तुमको धुआं बना देगी 2 मिनट, और तुमको लगेगा कि हम गायब हो गए। देखो ब्लैक होल, ये मतलब मुझे क्या लगा ना, देखो एक बात हम तुमको बताएं, पूरे यूनिवर्स में 2 मैटर हैं, मैटर ठीक है ना, एक होता है डार्क मैटर और एक होता है वो मैटर जो हम लोग देख रहे हैं। मेरा पर्सनल ये ऑब्जर्वेशन है, मैं जो मानता हूं, डार्क मैटर वो है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो है। ठीक, हमारा मानना है ये, अगर ये आपका मान लो कि एक यूनिवर्स है, एक छोटे से रूप में ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर मान लो ये हमारी गैलेक्सी हो गई, ये हमारी पृथ्वी, ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा चंद्रमा होगा, ये सारे ग्रह हो गए, के बाद जो ये खाली जगह बच रही है ना, ये पूरी, इन सब के बाद जो ये व्हाइट वाला खाली जगह बच रहा है, ये डार्क मैटर होता है। और ब्लैक होल, तुम क्या पूछ रहे थे ब्लैक होल का, ब्लैक होल बड़ा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ब्लैक होल की अभी तक कोई ऐसा सच डिस्कवरी उसके बारे में नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ब्लैक होल जो एक पिद्दी भर का भी जो ब्लैक होल होगा, उसके अंदर भी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे यूनिवर्स को अपने अंडर में खींच ले, समझ रहे हो, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर ले लेगा। कि ब्रह्मांड क्या है, जो हम अपने ग्रह नक्षत्र तारे ये सब जो देख रहे हैं। अब दूसरा देखो, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोले के में भीषण विस्फोट हुआ, ठीक है, इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ, जब वो एक्सप्लोजन हुआ, तो बॉल थी वो जब फटी है तो फैली है, विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब वो जो एक्सप्लोजन हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि वो फट गया है और वो रुक गया है, ऐसा कहते हैं वो आज भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। इसी बात को हबल ने कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, जैसे तालाब में एक पत्थर मारो तो वो गोला निकलता है ना, तो वो तो क्योंकि एक आपके पत्थर का गोला, इसलिए वो खत्म हो गया, लेकिन ये जो गोलक, ये वाला जो फटा था ना, ये बहुत पावरफुल, बहुत घनत्व वाला था, इसलिए ऐसा मानते हैं कि 13.7 अरब वर्षों बाद भी आज भी वर्ष क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। मतलब तालाब में इतना बड़ा पत्थर मार दिए कि जो वेव निकल रही थी वो अभी भी निकल रही, समझ रहे हो। हाँ, तो वही तो, अब जैसे सुनामी जो आई थी, सुनामी कैसे आएगी, अब मान लो सुनामी सुने हो ना, सुनामी, तो मान लो कि ये मान लो कि इंडिया था,
कहीं बड़ी दूर, बहुत दूर कोई पहाड़ होगा, बहुत ऊंचा बर्फ का, समझ रहे हो। अब इस बर्फ के पहाड़, और ये पहाड़ जो बर्फ का होगा ये कोई 100-200 मीटर का नहीं, ये 14-15 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ होगा, और इसमें से बर्फ भारी मात्रा में कट करके और कहां गिर गई, समुद्र में गिर गई। अब जब गिरेगी छपाक से तो वो एक वेव बनेगी। अब वो वेव चलते हुए आ रही थी और जैसे ही तट पे पहुंची है लपेट, ठीक है ना। ये था इसमें बिग बैंग में आपका विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत वह वृहत विस्तार हुआ, इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अब मुझे ये चीज समझा दो, ब्रह्मांड का विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, इस लाइन को हमको समझा दो, क्या समझे। इसे तो पढ़ के निकल जाओगे। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है, याद है, E=mc², है ना। एक बात मुझे बताओ, पदार्थ में परिवर्तित कोयला है, कोयले को जला करके आप क्या निकालते हो, कोयले का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, यानी कोयले से हम क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा। तो क्या ऊर्जा से कोयला बन सकता है, बात समझो, फिर से समझा रहा हूं। मान लो कि बर्फ है, बर्फ को तुमने पिघला करके क्या बनाया, पानी, पानी को और गर्म करके क्या बना दिया, भाप। भाप से पानी बना सकते, भाप से पानी बन सकता और पानी से बर्फ भी बन सकता। कोयले को जला करके हमने क्या निकाला उससे, तो ऊर्जा से क्या हम पदार्थ बना सकते, कभी सोचा है ये सब। दूसरा पदार्थ नहीं, लेकिन मान लो हम ये कह रहे हैं क्या ऊर्जा से पदार्थ बन सकता है, ये है साइंस। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोयले को जलाया, ऊर्जा लिया, और क्या ऊर्जा से आप पदार्थ बना सकते हैं। देखो फोटोन का नाम जानते हो, क्या होता है फोटोन, क्या होते हैं। देखो कण, सबसे छोटा कण जो है लाइट का, उसे क्या कहा जाता है, फोटोन। अच्छा कार्बन का नाम सुने, कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते, हाँ, है ना, है कार्बन का एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन। कोई भी परमाणु किस से बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। तो किसी भी परमाणु को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है तो वह कौन सा परमाणु बनेगा, कार्बन बन जाएगा। 8 अगर हो गए तो ऑक्सीजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक। एनर्जी की यानी ऊर्जा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं फोटोन, क्या कहते हैं, फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, PHOTON। प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, फोटोन ऊर्जा की सबसे छोटी। अब कई सारे फोटोन आपस में के बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या मिलकर,
इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? अगर 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या बनेगा? कार्बन। तो उस बॉल के अंदर जब ब्लास्ट हुआ तो भारी मात्रा में एनर्जी ऊर्जा निकली, फोटोन भी निकले, वो फोटोन आपस में करके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ना। वो इलेक्ट्रॉन दो चार आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? कार्बन बना लेंगे, ऑक्सीजन बना लेंगे, क्या क्या बना लेंगे, सब वो सब बना लेंगे। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि यहां पर ऊर्जा से मैटर बन रहा है, पदार्थ बन रहा है, बात समझ रहे हो ना? यही बात यहां पर हुई। जब वो गेंद फटी तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा थी उससे क्या बना? पदार्थ। जितने भी हम हाइड्रोजन हीलियम ने उसके अंदर पढ़ रहे थे ना निहारिका के अंदर, कि उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? तो ये सारे हाइड्रोजन हीलियम, ये सारे के सारे जो पदार्थ बने, ये इस एक्सप्लोजन से बन गए। इसी को आइंस्टाइन ने कहा था ई बराबर एम स्क्वायर, यानी एनर्जी को मास में बदला जा सकता, समझ रहे मेरी बात? तो ये था आपका, क्योंकि बैंग था तो इसे क्या कहा गया? बिग बैंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंग था। अच्छा, बिग बैंग के एक सेकंड के अल्पनाश के अंदर, इसके बाद विस्तार की गई, बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत क्या हुआ? पहला परमाणु, पहला एटम बन गया। एटम मतलब अब वो हाइड्रोजन का एटम हो या वो हीलियम का एटम हो, पहला एटम जो है वो 3 सेकंड बाद ही बन गया। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड जो था वह कैसा हो गया? पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। मैं आपको बताया, ब्रह्मांड के विस्तार होने का मतलब है कि आकाश गंगाओं की दूरी में, जो बैलून वाला एग्जाम्पल हम दिए थे। हॉयल, अब इस थ्योरी का एक और अल्टरनेटिव थ्योरी जो था वह हॉयल थे, वो अपनी थ्योरी लेकर के आए। उन्होंने स्थिर अवस्था की संकल्पना दी, उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स था वो शुरू से ही वैसा ही था, कुछ फटा वटा नहीं। तो ये सब लोग अपनी अपनी थ्योरी जो थी वो ये था, ठीक। तो लिख लेना एक बार, बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत लिख। ब्रह्मांड को बनाने वाले सारे पदार्थ, ब्रह्मांड को बनाने वाले सारे पदार्थ आरंभ में, आरंभ में एक छोटे गोलक के रूप में, एक छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था, जिनका जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म का आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अब सोच लो, तापमान कितना था? अनंत। बात समझ रहे हो ना? कुकर के अंदर का टेम्परेचर जो था
के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर अनंत था। अभी तो कुछ होता है तो घर में फट जाता है, आदमी उड़ जाते हैं उसमें, गर्दन उड़ गई पता चला, वो तो अनंत था, समझ रहे हो ना। तो उसके ब्लास्ट में कितना पावर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, इस छोटे गोलक में, इस छोटे गोलक में, अति छोटे गोलक में आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक भारी विस्फोट हुआ जिससे कि हमारे ब्रह्मांड का की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है वो छोटा सा पिंड गोलक, ये फटा है, तो ये हमारी गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप, सर्पिला आकार जो थी, और ये देख रहे हैं हम धीरे धीरे इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये एक्सपेंशन। ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।